हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइप फाइव स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप थंबनेल पे तो देखा ही होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। जब आप बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे जब आप एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड जो है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, वो आपका आपके फोन नंबर या ईमेल आईडी पे प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब तक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप लॉगिन करके जो पूरा फॉर्म है उसको आप नहीं भर पाएंगे। तो वो समस्या बहुत सारे स्टूडेंट में आ रही है, तो उसका मैं आपका सोल्यूशन जो है वो लेकर के आ गया हूँ, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर होते हैं तो दोबारा से जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है। क्योंकि आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मैं जब दोबारा से जाकर के अपना, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेरे फोन पे आया ही नहीं है, और उसके बाद अगर मैं दोबारा जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो उसी ईमेल उसी नंबर वही आधार कार्ड सबको लगा कर जब करता हूँ ना, तो वहां पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो बताता है, क्यों बताता है? क्योंकि वो पहले से आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, बट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका यूजर नेम और आईडी पासवर्ड है वो आपके फोन नंबर पे नहीं आया है। तो वो आपको कैसे पता करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको सारी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है उनके साथ भी ये समस्या हो रही हो। सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बताते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लॉगिन, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके बाद, क्योंकि आपके पास जब तक यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक आप लॉगिन करके पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपके फोन नंबर पे वो चीज गई नहीं है, तो आपको पता नहीं होगा। उसको कैसे आपको फाइंड करना है, कैसे आपको पता करना है कि दोबारा से मेरे फोन पे एसएमएस आए यूजर नेम एंड पासवर्ड का, तो उसके लिए आपको यहां पे इस वाले वेबसाइट पे यहां पे आ जाना है। यानी कि यहां पे आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं अपलाइन ऑनलाइन करते हैं ना, वहां पर नहीं जाना, उसी के ऊपर लॉग इन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहां पर देखना है फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज जो है वो ओपन होगा, ठीक है। इस प्रकार का पेज ओपन होगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है, पता करने के लिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड पता करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट एग्जाम करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं जूम किए ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर तरीके से दिख जाए, ठीक है। थोड़ा सा आपको अच्छे से और क्लियर तरीके से जो है दिख जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जूम कर ले रहा हूँ, तो आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको काम यहाँ पर ये करना है कि आपको सिलेक्ट एग्जाम करना है, यानी एग्जाम आपको सिलेक्ट करना, तो एग्जाम सबसे लास्ट में आपको चले जाना है, और यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यानी 26/2023, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि मान लीजिए किसी की, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1990 है, ठीक है, 1990। उसके बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना आपको कौन सा मंथ था, मान लीजिए मार्च था, ठीक है, ओके कर लेना है। मार्च वाला मंथ खोल करके आ जाएगा यहाँ पे, अब आपको डेट सिलेक्ट कर लेना, मान लीजिए 15 तारीख को उसका जन्म हुआ था, ठीक है, तो 15/3/1990 ये लिख करके आ गया। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला था जिसमें आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं आया हुआ था, वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो वो फिल करने लगा, मान लीजिए कुछ भी फिल किए ले रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हमने फिल कर दिया है, ठीक है, ठीक है, ये हमने फिल कर दिया जमाल मोबाइल नंबर। उसके बाद अब आपके पास, या तो आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, दोनों दोनों रजिस्टर्ड होते हैं फिल, अगर आपने आवेदन किया तो दोनों चीजें आप लोगों ने डाला होगा, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अगर सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप लोग, सॉरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको इमेज मिल जाएगा, इमेज यानी कि कैप्चा मिल जाएगा, तो कैप्चा में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बार कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि कैप्चा वहां पर नहीं दिखता है, ये चीज समस्या आ रही है। मत सोचिएगा आप लोग कि कैप्चा नहीं दिख रहा, तो नहीं होगा, कैप्चा दिख रहा है, तो एंटर अबव टेक्स्ट जो है वो आपको लिख लेना है, एंटर अबव टेक्स्ट जो है वो आपको लिख लेना है, यानी जो भी आपके सामने ये जो दिख रहा है ना 8, उसके बाद टू और वी, ये करने के बाद आप यहां पे पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हो डिटेल जो है वो, मतलब मेंशन नहीं है, मेरी डिटेल जो है मेंशन नहीं, क्योंकि मैंने रॉन्ग डिटेल डाली हुई है, ठीक है, ये मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीजें जो है रॉन्ग डाली, ऐसा मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है।
तो ये प्रक्रिया आप करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका जो पासवर्ड है, यहाँ पे एक लाइन और लिख के आ जाएगी कि आपका जो पासवर्ड है और यूजर नेम है वो आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया गया है सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे वो मैसेज आएगा तुरंत ही आपके फोन पे जो है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो आपके फोन पे आ जाएगा तुरंत ही। उसके बाद जैसे ही आपका फोन पे पासवर्ड वासवर्ड आता है उसके बाद तो आपको पता ही भैया क्या करना है। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता ही क्या करना है। जैसे यूजर नेम पासवर्ड आ गया, तुरंत आप लोगों ने यहाँ पे यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला, उसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पे डाला और लॉगिन कर दिया और आपका सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएगा। तो ऐसे आपको पता करना है कि कैसे, मतलब ऐसे आपको पता करना है कि जो आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी बीपीएससी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप टीचर के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर रहे हैं वहां पे आपके मोबाइल पर अगर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर नहीं पहुंचता है तो आप ऐसे जो है पता कर सकते हैं अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके भैया कि जो जिनको भी नहीं, जिनका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, हर एक ग्रुप में शेयर कर दिया जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आ रहा था कि सर मेरा रजिस्टर्ड हो गया बट मुझे पता नहीं चला। ठीक है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई की जाएगी, या फिर ज्यादा कमेंट होंगे तो उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।